आप सामने देख सकते हैं वो शहीद की माँ है और एक उनका ये छोटा भाई है, ये भी है। और आज उनकी माँ पे, मतलब उस माँ पे गर्व भी है कि ऐसा सपूत उसने पैदा किया जिसने भारत माता की सेवा करते हुए अपनी जान को गंवा दी। लेकिन एक तरफ उस माँ को गम भी है तो एक तरफ उसे गर्व भी है कि ऐसा सपूत उसने पैदा किया। आज उनके जीवन यापन और के लिए एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है। तो आप क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप? साहेब का चाहन हमारे लिए तो कुछ नहीं, हमारे बाबू तो हम नहीं लोग, हमारे बाबू तो जीवन में नहीं जाएंगे, लेकिन एक लाल हमारे बाल एक पुतो ये लोग घर अच्छे कपने में हाई बिल्डिंग खड़ा है। साहेब सब लोन पर है, हमारे पैसा का कोनो नहीं, हम लोग मजदूर आदमी है, कटिया सोनी करने वाला कहीं तो हमारे बबुआ लग गए ना, अब हमारे बबुआ सुख चाहे छोड़ गए, लेकिन फिर ठीक है, कोनो बात नहीं, माँ के गोद में सो गई ना, लेकिन हमके भी नहीं ले गई ना, ठीक है कोनो बात नहीं, लेकिन हमके संतोष भाई कि अब जान सरकार चाहे वही करे, अब हम क्या कर सकते हैं गंवार आदमी, हम क्या कर सकते हैं, बेटा के भी रोग में कुछ निकल जाता है साहब, इसके हवाले में हमारा हो सवाल सब खो गया। और आज हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी आला अधिकारी आपकी बातें अगर सुन रहा हो तो उन आला अधिकारियों से आप क्या चाहती हैं अपने शहीद बेटे के लिए? उनके बिना कोई हमारा साथ नहीं, हमारा सब कुछ रह, वे माता के भाई के पढ़ावत है ना, वे इतना तो सबको सबको वही संभाल रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, उनके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यही सब लोन पर गजा है साहेब, बिल्डिंग लोन है और कुछ नहीं, हमारे सहारा कुछ नहीं है साहब, हम लोग तो करने भी योग्य नहीं है, अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे, मेरा तो कमर बाबू तोड़ दिया ना, अब हमारे बाबू तो जीवन में कभी फिर आएंगे नहीं, अब कैसे हम रहेंगे, अब साहब जो आप चाहिए वो करें, अब हम क्या बोलें, हमारे कौन थी। ये बगल में उनके भाई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अजय कुमार भारतीय है सर। क्या चाहते हैं अपने जो एक एक लौते कमाऊ पुत्र थे, मतलब भाई थे आपके, वही आपकी पढ़ाई लिखाई और जो भी था उसका आपकी मतलब जिम्मेदारियां उठाए हुए थे, आपकी जो पढ़ाई है कैसे होगी? सर यही तो नहीं पता है, क्योंकि सब वही मेरे भैया ही देखने वाले थे, वही सब पैसा वैसा देते थे, जितना भी था मेरा ज़रूरत का सामान जो भी रहता था सब भैया ही पूरा करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो चाहते थे कि मैं भी मतलब एक फोर्स बनूं और देश की सेवा करूं, वो सेवा करते करते सर चले गए, इसका बहुत दुख है सर। तो गर्व भी तो है कि एक आपका भाई, मेरा भाई मतलब शहीद हो गया और मतलब उसके लिए बहुत गर्व है सर, और वही हमको सब पढ़ाते लिखाते थे, सब करते हैं, मैं आज बीएससी एग्रीकल्चर सर कर रहा हूँ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से डीडीओ से सर कर रहा हूँ, तो वही सोच रहा हूँ सर मेरा पढ़ाई हो सकता है मेरा पढ़ाई बंद हो जाए सर, इसीलिए हम पढ़ाई बंद ना करते हुए मतलब सर से बस यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ सर कि मतलब मुझे भी ऐसे देश की सेवा करने के लिए मतलब मुझे भी कोई नौकरी वोकरी देने के लिए कष्ट करे सर। तो मतलब आप चाहते हैं कि अगर शासन प्रशासन हमारा सहयोग करे और हम उस योग्य हैं और विभाग चाहे तो मुझे नौकरी देगी ताकि अपने परिवार के देखने के, वही भैया बस आगे थे, अब कोई कमाने वाला नहीं है सर, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा सर, अब ये सब जितना भी है सब सर लोन पे बना है, तो इसीलिए आप सोच रहे हैं कि हम भी हमको भी सरकार नौकरी दे ताकि अपने माँ बाप को ऋण को पूरा करें, हम यही चाहते हैं सर। तो देखा आपने एक भाई ने अपनी बातों को, आप जनता और हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई आला अधिकारी देख रहे हों कि इनकी मांगों को पूरी की जाए, एक लौता कमाऊ पुत्र थे इनके और अब इनकी जो घर की कहानी है काफ़ी दयनीय हो चुकी है, जो मकान भी बनवाया था उसको भी लोन पे बनवाया था।